फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शिबा। आज हम अपने किचन में फालूदा की रेसिपी बनाएंगे। फालूदा जो हम अक्सर मार्केट में जाकर के कुल्फी के साथ खाते हैं, तो कुल्फी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर कुल्फी की रेसिपी देख सकते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं फालूदा, तो आइए देखते हैं फालूदा कैसे बनाया जाएगा। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ मुझे अरारोट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कॉर्नफ्लोर। ये मैंने लिया है हाफ बाउल, तो ये हाफ बाउल हम इसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसे आप हाफ बाउल ले लें या फिर ये 2.5 टेबल स्पून भी आप इसको ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसमें अब मैं सबसे पहले हाफ बाउल वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, घोल देंगे। इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल लम्स फ्री हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर हम इसमें 1 बाउल वाटर और ऐड कर देंगे, यानी कि 1.5 बाउल इसके अंदर वाटर ऐड हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसके अंदर और पानी ऐड कर देते हैं। हाफ में डाल चुकी हूँ और 1 बाउल इसके अंदर वाटर और इसमें जाएगा, तो ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाला है, अरारोट, और उसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसी से ही हम अब बनाएंगे अपने फालूदा। तो मैंने अपना पैन रख दिया है, गैस मेरी ऑन है और अब मैं स्लो कर देती हूँ। एकदम लो फ्लेम पर मैंने इस टाइम गैस रखी हुई है अपनी। और अब हम ये अपना सारा इसमें डाल देंगे और इसे अब हमें चलाते रहना है एंड तक। इसे अब हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो ये एकदम लो फ्लेम पर ही हमें बनाना है। जो साइड में इसमें चिपक रहा है उसको हम स्क्रैच करते रहेंगे और इसको हम बिल्कुल कंटिन्यूअसली इसी तरह चलाते रहेंगे। ये नीचे लगना नहीं चाहिए। इस तरह से ये पूरी तरह से ये पक जाएगा और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी हद तक गाढ़ा होने लगा है, तो हमें इसको इसी तरह से चलाते रहना है। इसको हम चलाते रहेंगे, एकदम बढ़िया सा ये एकदम बन जाएगा। तो देखिए ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसको हमें बिल्कुल अभी और थोड़ी देर चलाना है। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। इस टाइम देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा ये एकदम गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हमें इसे गरम गरम में ही इसको आगे हमें यूज करना है, इसे ठंडा नहीं होने देना है। तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास फालूदा मेकर है जिसका ये मैंने ले रखा है और इसमें ये हमारा ये सबसे छोटे होल्स वाला मैंने इसका ये पार्ट ले रखा है जिससे हम बनाएंगे। तो ये हमें जो हम इसके अंदर इस तरह से हम इसमें लगा देंगे, ये मैंने इसमें लगा दिया है और साथ ही इसको हम इस इधर से बंद कर देंगे। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा या आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं। इसको हम टाइटली बंद कर देंगे इस तरह से। ये बिल्कुल टाइट हो गया है और इसके अंदर अब हमें अपना ये फालूदा का जो हमने बैटर बना के रखा है ये हमें इसके अंदर फिल कर देना है। तो ये इस तरह से ये अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह से ये अंदर चला गया है। इस तरह से बाकी का भी हम इसमें आगे भर देंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इजीली इसके अंदर चला जाता है। तो देखिए ये हमारा इधर भर चुका है और अब हम ये इसके ऊपर लगा देंगे। ये इस तरह से ये इसमें फिट हो जाता है और इसको हम टाइटली बंद कर देंगे। बहुत गर्म है, आप चाहे तो किसी कपड़े से पकड़ के कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम ये बहुत गर्म है। तो ये इस तरह से ये टाइट हो गया है। अब हम इसको आगे बनाते हैं। और अब हमने लिया है आइस कोल्ड वाटर और इसमें हमने आइस भी डाल रखी है, यानी कि हमें ये बहुत चिल्ड लेना है। तो इस टाइम ये इसमें बहुत ठंडा पानी है और साथ में इसमें आइस डाल रखी है, मैंने बर्फ डाल रखी है। और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको ऐसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे और यहां से हमारा फालूदा निकलेगा। इस तरह से हम इसको हल्के हल्के से प्रेस करते जाएंगे। देखिए अच्छे से प्रेस हो रहा है और बहुत बढ़िया फालूदा निकल रहे हैं। इस टाइम मैं भी आपको दिखाती हूँ।
देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाती हूँ आगे से। देखिए कितने अच्छे से ये फालूदा बन चुके हैं। और इसे अब हमें रख देना है थोड़ी देर ऐसे ही अपने रेफ्रिजरेटर में। इसको हम 10 से 15 मिनट इसको ऐसी तरह छोड़ देंगे और इतनी देर में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर अभी मैं इसको छेड़ूंगी तो ये टूट जाएंगे, तो हमें ये अच्छे अच्छे लंबे से नहीं मिल पाएंगे फालूदा। तो इसे हमें इसी तरह से फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट में ये अच्छे से हो जाएगा सेट। और आप चाहें तो इसको आप रख भी सकते हैं, ज्यादा अगर क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप बना के रख सकते हैं। इसे पानी में ही, ठंडे पानी में ही रखें और ये 1 वीक तक भी चल जाता है। तो इसे आप इसी तरह से बना करके रख सकते हैं और जब चाहें आप अपने फालूदा में डालें और बना करके इसको मजे से इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये बहुत ही बढ़िया फालूदा बनके एकदम तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे फालूदा बन गए हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आप बनाएं और ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।